हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। PT 365 हम लोग एनवायरनमेंट शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो एनवायरनमेंट अब स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट थोड़ा सा लंबा मैगजीन है, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे ऐसे करने का, एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे आता है। जनरल पॉइंट तो हमें पता ही होता है, काफ़ी पॉइंट जो हमें जनरल पॉइंट होता है वो पता ही होता है, लेकिन एग्जाम में कहाँ पे कहाँ से स्टेटमेंट बनते हैं हमें ऐसे करना है ताकि हमें कम से कम टाइम में कर सके और जल्दी से जल्दी कर सके और रिवीजन भी करें फिर। तो चलिए इसमें करते हैं, पहले हम देख लेते हैं आज कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो, पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, उसमें ग्लोबल सिनारियो वाला डिस्कस करना है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्कस करना है, उसके अलावा क्लाइमेट मिटिगेशन एडॉप्शन और उसके बाद अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है और रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस डिस्कस करने हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें से हम लोग एटलीस्ट दो टॉपिक तो कवर करेंगे ही करेंगे, ग्लोबल सिनारियो या और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको ये हाईलाइटेड वाला PDF चाहिए तो। चलिए पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सिनेरियो, पहला एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है? IPCC का रिपोर्ट है, ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, इसका Part 3। इसका मतलब IPCC का जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया होगा, AR6 आया होगा, इसका दो पार्ट ऑलरेडी आ चुका होगा। हाँ आ चुका होगा। सबसे पहले रिपोर्ट निकालता कौन है? IPCC निकालता है। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना राइट साइड में, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। IPCC बन, ये बॉडी बनी कैसे? IPCC दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलके बना है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखना है यहाँ पे एनवायरमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि गवर्नमेंट क्या करे, क्लाइमेट से लड़ने के लिए उपाय कर सके। ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इंडिया पार्ट है, इंडिया मेंबर है, याद रखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह निकालती है, साइंटिफिक रिसर्च करती है, और IPCC को एक बार नोबेल प्राइज मिला है 2007 में इनके काम के लिए। ठीक है, ये रिपोर्ट जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकाली है उसका टाइटल क्या है? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिटिगेशन यानी क्लाइमेट चेंज को कम करना है। इससे पहले दो और पार्ट आया था, दो और पार्ट का नाम देख लीजिए लेकिन याद नहीं रखना है। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस और एक क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडॉप्शन एंड वल्नरेबिलिटी। ये दो पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, एक और रिपोर्ट बाद में आएगा, सिंथेसिस रिपोर्ट। हो सकता है तीनों पार्ट को कंबाइन करके आए। उसके अलावा मिटिगेशन टारगेट, इस रिपोर्ट के हिसाब से मिटिगेशन टारगेट क्या होना चाहिए जो हम चाहते हैं अचीव कर ले। अगर हम चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, मतलब कि जो जो प्री इंडस्ट्रियल एरा में था उससे ज्यादा से ज्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हो, या प्री इंडस्ट्रियल एरा से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हो, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो हमें बहुत ज्यादा खतरा होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये अचीव करना है तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रीन एमिशन के पीक को 2025 से पहले पीक करना पड़ेगा। पीक मतलब इसके बाद अब तो डिक्रीज ही होना है, अब बढ़ना नहीं, अब डिक्रीज होगा। और उसके अलावा 43% रिड्यूस करना है 2030 तक, 43% रिड्यूस करना है 2030 तक। अगर हमको 2 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो इसमें भी हमको पीक 2025 से पहले चाहिए और इसमें रिड्यूस करना है 27% बाय 2030। ठीक है, और इसके अलावा ग्लोबल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितने करना है? अर्ली 2050 में करना, और मीथेन को 34% डिक्रीज करना है बाय 2030। और उसके अलावा ग्लोबल नेट जीरो कार्बन एमिशन कब करना है? 2070। अगर ये देखो 2050 में कब करना है, जब हमारा जो टारगेट है छोटा है, टारगेट बड़ा है तो अब और ज्यादा हमें टारगेट बड़ा है, मतलब टारगेट यहाँ पे बड़ा टारगेट है ना, बड़ा टारगेट है तो जल्दी आपको अचीव करना है, छोटा टारगेट है तो थोड़ा देर से भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये पॉइंट है ना, ये कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इमिशन ट्रेंड के बारे में है।
जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसका एमिशन राइज हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब आदमी जो यूज करता है, ठीक है ना, इंसान जो बर्बाद ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है। यहाँ पे देखो, ग्रीन हाउस गैस जो जनरेट हो रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा किसका रोल है? एनर्जी सप्लाई सेक्टर का, सेकेंड है इंडस्ट्री सेक्टर का, थर्ड है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और कोई और लैंड यूज वाला। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट है और बिल्डिंग है। ट्रांसपोर्ट भी 14% है। यहाँ पे देखो, नेट एंथोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज ही हुआ है 2010 से हर हर जगह पे, ये ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा वेरियस रीजनल कंट्रीब्यूशन, रीजनल कंट्रीब्यूशन क्या क्या है ग्रीन हाउस गैस का? सबसे पहले उसके बाद कुछ 18 कंट्री है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया है पिछले 10 सालों में। और उसके अलावा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है ना, या स्मॉल आइलैंड कंट्री, वो तो ऐसे भी कम यूज करते हैं, उनका पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। और उसके अलावा 10% जो हाउस होल्ड है ना, उसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जो कि बिल्कुल लार्ज शेयर कवर करता है। मेजोरिटी तो यही निकालते हैं, बाकी लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। इनएडिक्वेट करेंट पॉलिसीज की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? अगर देखो, अगर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना, तो 2100 तक जो टेम्परेचर है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक होगा। और क्लाइमेट फाइनेंस में क्या करना होगा? अभी देखो, जितना खर्चा करना है उससे ये 3 से 6 टाइम्स कम कर रहे हैं खर्चा। अगर हमको ये अचीव करना है ना, तो हमको और ज्यादा खर्चा करना होगा। चलिए अब मीथेन इमिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, मीथेन सबसे ज्यादा कहाँ से इमिट होता है? वेटलैंड से, उसके बाद फोसिल्स फ्यूल से, लाइव स्टॉक से। तो ये मेन दो तीन याद रखना बस। ये कलरलेस ऑडरलेस गैस होता है, प्राइमरी कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का, फॉर्मूला होता है CH4। लाइफ स्पेन की बात करें तो ये 20 साल होता है। लाइफ मतलब ज्यादा दिन तक ये जिंदा, मतलब टिकता नहीं एनवायरमेंट में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ना CO2 से 80 गुना ज्यादा होता है, ये भी बात याद रखिए। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, उसका 25% यही जिम्मेदार है। और आधा मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्रोथ कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेरिक जोन में होता है। ट्रोपोस्फेरिक जोन आपको पता है, सबसे नीचे वाला जोन होता है एटमोस्फेयर का। वो इंडिया टॉप 5 मीथेन इमिटर ऑफ द वर्ल्ड में है, ये बात याद रखिएगा। और एक और चीज, एक ग्रुप है मिथेन प्लेज ग्रुप, ग्लोबल मिथेन प्लेज ग्रुप, याद रखना है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, नॉट अ मेंबर, इंडिया पार्ट नहीं है, है। और मिथेन के बारे में और डिस्कस कर लेते, क्या है दिया है ग्लोबल मिथेन असेसमेंट बेसलाइन रिपोर्ट आया है। ग्लोबल मिथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट आया है, दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। एक है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन, और प्लस वही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट लॉन्च कब हुआ? जब COP27 हुआ ना। COP27 किस मीटिंग का? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। और इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल मिथेन प्लेज की भी बात किया गया था कि मिथेन, और एक और चीज बात किया कि मिथेन अभी एटमोसफेयर में पता है कितना है? प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जितना था ना, उसका 260% ज्यादा है। और 2021 में सबसे ज्यादा एनुअल इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है। ह्यूमन ड्रिवन मिथेन इमिशन कितना है? 45% लगभग। ग्लोबल मिथेन आप प्लेज देख लिए, ऑस्ट्रेलिया अभी अभी ज्वाइन हुआ है। और ये लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। और मिथेन इमिशन को कम करने के लिए 2000 COP26 में इसको एक्शन में लाया गया, लेकिन भारत इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। एम क्या है कि आप मिथेन इमिशन को 30% कम करो बिलो 2022 लेवल, मतलब 2020 में आप जितना यूज कर रहे थे ना, उसका 30% कम करो। कब तक? 2030 तक। इसमें 100 देश से ज्यादा, याद रखिए 100 देश क्या है, 45% ग्लोबल मीथेन को एमिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ और जो ये स्टेप है मीथेन के लिए, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ये क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि एक सिर्फ 30 फॉसिल फ्यूल कंपनी है ना, जो आधा ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है ना। किस सेक्टर में? वन वर्ल्ड एनर्जी सेक्टर में, याद रखना है। उसके अलावा
इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और यूरोपियन कमीशन। ठीक है, टैकल शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव बाय यूएनईपी, और इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, यूरोपियन कमीशन, हमने देख लिया। और उसके बाद फोसिल फ्यूल सेक्टर में क्या करना है, मीथेन को कम करना है, इंप्लीमेंटिंग पार्टनर, कोर इंप्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लोबल मीथेन प्लेज के ये इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है। नासा का अर्थ समिट मिनिस्टर डस्ट शोर इन्वेस्टिगेशन मिशन, ध्यान देना नासा का है, अर्थ समिट मतलब सिंपल है एमिट मिशन, ठीक है ना, नासा इसको मैप करेगा, याद रखिएगा, और इसे हेल्प होगी 50 सुपर एमिटर ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और सदर्न सदर्न वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। कौन सा इमिट, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इमिट करता है, सिंपल इमिट मिशन किसका है, नासा का, ये याद रख लेना। ओशन एसिडिफिकेशन और आर्कटिक आइस, सबसे पहले समझिए ओशन ज्यादा एसिडिफिकेशन हो रहा है कहाँ पे, आर्कटिक ओशन के पास, एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो रही है, मतलब पीएच डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, पीएच क्या है, रिड्यूस हो रहा है। और प्राइमरी कॉज क्या है, अपटेक ऑफ CO2, मतलब एटमोस्फेयर से CO2 ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, यानी पीएच घट रही है। आर्कटिक रीजन की बात करते हैं तो हम जो 66 डिग्री जो है ना नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से, तो उसको हम आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, तो इसके अंदर जो ओशन है उसको हम आर्कटिक ओशन बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। उसके अलावा इंडिया ऑब्जर्वर है आर्कटिक काउंसिल का, और एक स्टेशन इंडिया का हिमाद्री में है, किसके पास आता है, नॉर्वे के आसपास आता है, और इंडिया 2008 से वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है ना, बोला जा रहा है कि आर्कटिक जो है ना 4 times ज्यादा हीट कर रहा है पूरी दुनिया से, ड्यू टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे होता क्या है, जो आर्कटिक के नियर सरफेस टेम्परेचर है ना वो काफी गर्म हो जाता है, ठीक है ना, बाकी लैटिट्यूड के हिसाब से, ये ध्यान रखना है। कॉजेज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, एस एलवेल्डो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक या ओशन हीट ट्रांसपोर्ट, ध्यान रख सकते हैं। जोम्बी आइस या डूम्ड आइस क्या बोलते हैं, ये मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट है जो इवेंचुअली राइज ग्लोबल सी लेवल बाय एटलीस्ट 10 inches, मतलब ये इतना खतरनाक है ना कि 10 inches ये पिघलेगा ना तो 10 inches पूरे वाटर लेवल को बढ़ा सकता है। उसके बाद आर्कटिक रिपोर्ट का 2022 की बात करते हैं, कौन निकालता है, NOAA निकालता है, US का नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और पीयर रिव्यू सोर्स से अप टू डेट इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन बताते हैं आर्कटिक के बारे में, ये बोल रहे हैं कि जो रेस्ट ऑफ द ग्लोब है ना उससे ये 2 times तेजी से वार्म होता है, ठीक है ना। उसके अलावा परसिस्टेंट समर सी आइस ड्यू टू द कूलर सरफेस वाटर एंड नॉर्थ विंड एट चुपची सी, ठीक है ना, ये ध्यान रख सकते, चुपची सी के बाद जो समर आइस है ना परसिस्टेंट रहता है। कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले COP 27, ये कहाँ पे हुआ, शरम अल शेख इजिप्ट में हुआ, ये किसका है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मेजर आउटकम ऑफ COP 26 इन ग्लासगो, ग्लासगो में पिछली बार मीटिंग हुआ था ना COP 26 में, तो इसमें क्या बात किया गया, बात किया गया था फेज डाउन ऑफ अनबेटेबल कोल और फेज आउट ऑफ इनसफिशियंट फोसिल फ्यूल सब्सिडी, देखो इनएफिशियंट जो फोसिल फ्यूल पे जो सब्सिडी दिया जाता है उसको हटाना है, और कोल है ना कुछ अनअबेटेड कोल को फेज डाउन करना है, खत्म करना है। इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को फाइनलाइज किया, शरम अल शेख वर्क प्रोग्राम ऑन ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन, ये याद रखिएगा, ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन, ये कहाँ पे साइन हुआ, साइन हुआ था ग्लासगो में। उसके अलावा ये भी बात याद रखिएगा, यहाँ पे शरम अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान साइन किया गया, और
और टारगेट एज सच टारगेट पे क्वेश्चन नहीं आया, जैसे ट्रांसफॉर्मेटिंग एडेप्टेशन चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस पे, बैक स्लाइडिंग ऑफ कमिटमेंट एंड प्लेजेज, लो एमिशन कार्बन रेजिलियंट डेवलपमेंट, लॉस एंड डैमेज को हटाना, इस सब पे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन मेजर जो आउटकम है ना उस पे क्वेश्चन आता है। आउटकम क्या है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्री जो अपने जो टारगेट दिए हुए ना उसको फिर से रीविजिट कर ले, ठीक है, और उसको पेरिस एग्रीमेंट से अलाइन कर ले। बात याद रखिए, मिटिगेशन वर्क पर मतलब मिटिगेट करना है, एडप्शन का मतलब क्या होता है, एक फंड बनाना है, कितना 230 मिलियन का एडप्टेशन फंड। शरम एल शेख डायलॉग हुआ, और फाइनेंशियल फ्लो की बात की जाती है, लॉस एंड डैमेज की बात करती है, सैंटियागो नेटवर्क की बात करते हैं यहाँ पे। और सिंपल पूछा, सैंटियागो नेटवर्क किससे रिलेटेड है, COP27 से रिलेटेड है। लो एमिशन एनर्जी सिस्टम की बात करें तो इस सबसे एज सच क्वेश्चन नहीं आ जाता। अब देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में एक एक चीज है, कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये एकमात्र प्रोग्राम है जो फोकस करता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे, उसके अलावा ये याद नहीं रखना। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, फर्स्ट मूवर कोलिजन, फर्स्ट मूवर कोलिजन ये किसने लॉन्च किया, US ने किया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया, COP27 में ग्लासगो में स्कॉटलैंड। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया फर्स्ट मूवर कोलिजन के स्टीयरिंग बोर्ड को, ठीक है ना, और ये डीकार्बनाइज की बात करती है, और खासकर कैसे सेक्टर जहां पे डीकार्बनाइज करना बहुत मुश्किल था लेकिन पता है कि इसको डीकार्बनाइज करना बहुत जरूरी है, ऐसे सेक्टर को लाइक एल्युमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील एंड ट्रकिंग सेक्टर की बात करते हैं, जो कि 30% ग्लोबल एमिशन को करवाता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मूवर कोलिजन हो गया। उसके अलावा गोल फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, इसमें क्या करते हैं, डी कमीशन ऑफ कोल्ड फायर पावर प्लांट, डिलीवर ए जस्ट ट्रांजिशन फॉर सिटीजन, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल ताकि डीकार्बनाइजेशन कर गया जा सके, क्या है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ठीक है। उसके अलावा ये बॉडी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रियो अर्थ समिट में तीन बॉडी बना था ना, उसमें से एक बॉडी कौन है, ये वाला। उसके अलावा आपको दो बॉडी पता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला और इवन CCD, ठीक है। 1994 में फोर्स पे आया, 1992 के अर्थ समिट में सिग्नेचर किया गया था, ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज करना, फूड प्रोडक्शन को थ्रेटन ना हो, और इंडिया मेंबर है, ये यूनिवर्सल मेंबरशिप वाला पार्टी है, लगभग 198 कंट्री है। ऑपरेशनल मैकेनिज्म कौन है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि हर साल होता है। इसके अलावा कयाटो प्रोटोकॉल वाला पार्टी मीटिंग है, और उसके अलावा पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, याद रखना लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया ने सबमिट किया रिपोर्ट, ये किसको सबमिट किया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये क्या है, पेरिस अग्रीमेंट को अलाइन करता है, ठीक है ना, और ये COP20, देखो ड्यूरिंग COP26 एट ग्लासगो, नॉट एट डन सो हैड अर्क टू कम्युनिकेट देयर, मतलब इसमें पार्टीज ने अपना काम नहीं किया था इससे रिलेटेड। LEDS जो LTLEDS होता है, और क्या क्या आता है इसमें यह देखिए, मतलब ये सबसे सबसे पहले समझो मैंडेटरी नहीं है, जो अपने नेशनली डिटरमाइंड जो लोगों का गोल है ना वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट इंडिया लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजी करी। इसमें इंडिया का मेन मकसद क्या है, 2070 तक वीरा खत्म करना। उसके अलावा इंडिया इसे कुछ काम भी करे, इसमें एक तो इंडिया का लाइफ टाइम कैंपेन है, ये कौन लॉन्च किया, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यहाँ पे बच्चों को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए इनकरेज करना है, याद रखना। उसके अलावा
लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट, यहाँ पे कि एनडीसी टारगेट क्या है कि 50% नॉन फोसिल्स कैपेसिटी होना चाहिए 2030 तक, और इंडियन रेलवे बन जाना चाहिए नेट जीरो बाई 2030, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होना चाहिए 2025 तक। इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करती है, अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जो हमारा बिल्डिंग कोड होना चाहिए, इको निवास की बात करते हैं, संहिता जो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, नेशनल मिशन और सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सब बात करती है। उसके अलावा एनर्जी इन्हांस एफिशिएंसी की बात करती है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की बात करती है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, CO2 को रिमूवल के लिए कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज की बात करती है। उसके अलावा एडिशनल कार्बन सिंक बनाना, एनडीसी का क्या टारगेट है कि एडिशनल कार्बन सिंक बनाना 2.5 to 3 billion ton, कितना CO2 का याद रखिए, टू रिस्टोर 26 million hectare डिग्रेडेड लैंड बाई 2030। और उस नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इंडियन रेलवे की बात करें कि ये दोनों भी ग्रीनिंग इफेक्ट करें, मतलब ऐसा स्टेप ले जो ग्रीनिंग रहे। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बाई सेबी, ठीक है याद रखिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करता है कि ये जो पैसा दिया जाता है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी में दिया जाए, ठीक है ये ध्यान रख सकते हो। यहाँ के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टॉकहोम। कोई डाउट हो और अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।